ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय सुप्रियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का मध्य भाग ग्रहों का क्या योग आपके लिए बना रहा है। ग्रहों का जैसा योग बनता है वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और ग्रहों के योग आयोग के साथ हमारे कर्म का प्रभाव भी होता है। कर्म यही सही दिशा में हो जाए, ग्रहों के प्रभाव को वही वास्तविक तौर पर परिवर्तित कर सकता है, वही उपाय है। सदकर्म करना ही उपाय है और सदकर्म हम कर सकते हैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद। ज्योतिष ज्ञान देता है, रास्ता दिखाता है। अप्रैल का मध्य भाग बड़ा विचित्र है, बड़े परिवर्तन के योग बना रहा है। कन्या राशि वालों के स्वामी होते हैं बुध और कन्या राशि के स्वामी बुध जो है इन दिनों चल रहे हैं अस्त वक्री स्थिति में, लेकिन वो होने जा रहे हैं उदय, तो कन्या राशि के बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं। इसके साथ साथ मंगल शनि की युति चली रही है और वो अभी 23 अप्रैल तक चलनी है और उसके साथ साथ नववर्ष आरंभ हुआ, भारतीय संवत 9 तारीख को जब आरंभ हुआ विशेष तौर पर, उसके साथ साथ नया युग बना, नए राजा बने और राजा बन गए हैं मंगल, मंत्री बन गए हैं शनि, फिर वहाँ भी द्वंद्वात्मक स्थिति। ये मंगल शनि का टकराव जो अभी 23 अप्रैल तक चल रहा है, पूरे वर्ष इसी प्रकार की द्वंद्वात्मक स्थिति रहेगी और शास्त्र कहता है सम सप्तक शनि एक दूसरे के हों या एक युति हो जाए इन दोनों की, प्रजा के लिए अति कष्टकारी योग बन जाता है और साथ साथ जन विद्रोह का योग बन जाता है। तो ये योग पूरे वर्ष पूरे विश्व को परेशान करने वाला है। खैर, आपकी राशि के अनुसार से भी समझ लें कि आप कुछ होने के योग हैं। तो ऐसे में सूर्य राहु की युति चल रही है और सूर्य राहु की युति भी समाप्त होने वाली है अप्रैल के मध्य भाग में। सूर्य निकलकर उच्च के हो जाएंगे आगे राहु से हटकर, तो ऐसे में आपके भाग्य में भी परिवर्तन का योग बनेगा। सूर्य शांति प्रदान करेंगे, अग्रेसिव दे रखे थे, अग्रेसिव हो रखे थे, वो भी आपकी राशि के अनुसार से बदलेंगे, मीन से निकलकर मेष में चले जाएंगे। तो सुन लीजिए आपके लिए कैसा रहेगा। 12 अप्रैल का अवसर, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार का अवसर और ग्रह योग आपके बड़े अनुकूल और आपकी राशि के अनुसार से। बस एक बात का ध्यान रखना है, शनि महाराज अननेसेसरी आपकी राशि में मंगल के साथ बैठकर कुटकुट कर रहे हैं और वहाँ आपके मनोमस्तिष्क में स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग देते रहते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक हमारे यहाँ बड़ा सुंदर तिथि आती है जो आज है, इस दिन विद्यमान है, चतुर्थी के साथ कुष्मांड जयंती। कुष्मांड भगवती का एक ऐसा स्वरूप है जो संसार का पालक पालन करती है, संसार की उत्पत्ति करती है, संसार की रक्षा माँ की तरह रक्षा करती है। कुष्मांड वही स्वरूप है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। तो ऐसे में कुष्मांड की बलि भगवती को अर्पित की जाती है, कुष्मांड का ही भोग लगाया जाता है, प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो पेठे का विशेष तौर पर माँ भगवती को अर्पित करें, उसका प्रसाद लें, तो कहा जाता है कि इम्यूनिटी को अच्छे से स्ट्रांग करने का रास्ता प्राप्त होगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ऐसे में एक भगवती का मंत्र है, रोगा न शेषान न पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकला न विष्टान त्वामाशितानाम न विपन्न नाराणाम त्वामाशिता हया श्वेताम प्रयांति। देखिए, आपके शनि महाराज अभी एक साल रोग वाले स्थान में चल रहे हैं, स्वग्रही होकर चल रहे हैं, तो रोग शत्रु जो हैं वो एक साल तक किसी न किसी कारण से परेशान करते रहेंगे। तो आपको शनि को ठीक करने के लिए इस मंत्र का सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए, कुष्मांड का भगवती को अर्पित करना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से कल्याण का योग बनेंगे। भद्रा है करीब करीब दोपहर को 1:11 तक, तो 1:11 तक इस दिन नए कार्यों से करने से बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से बचना चाहिए। 1:11 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद कार्य का लाभ लें। 13 अप्रैल को पंचमी है और श्री पंचमी का योग है, चैत्र मास की पंचमी को श्री पंचमी कहा जाता है, भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर अवसर रहता है। नवरात्र चल रहे हैं और ग्रह योग शनिवार के दिन बन रहे हैं, जो मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके कार्यों में सफलता देने के योग बना रहे हैं। आपके कार्यों में विघ्न जो होंगे वो दूर करके आप बहुत बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मेष में जा रहे हैं और ये आपके एग्रेसिवनेस को शांत करेंगे। सूर्य आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, जबरदस्ती राहु के साथ बैठकर अशांति अस्थिरता का वातावरण बना रखा था, गुस्सा जब काम हो नहीं रहे थे तो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, द्विधात्मक स्थिति बढ़ रही थी, उससे निवृत्त होकर सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, आपको रिलीफ प्राप्त होने के सुंदर बन सकते हैं। ऐसे में भगवान सूर्य का उपाय करें, गेहूं का दान करें, तांबे का दान करें, ये सब उपाय कर आप लाभ के योग बन सकते हैं। स्कंद माता का अवसर है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करिए, कल्याण होगा। 14 अप्रैल की बात करें तो उस दिन षष्ठी तिथि है और साथ साथ रविवार का अवसर है, स्कंद माता की आराधना करने का, स्कंद षष्ठी कही जाती है और माता का कात्यायनी स्वरूप का ध्यान किया जाता है। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल हैं, सफलता देते दिखाई दे रहे हैं, कुछ सम्मान में इजाफा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शनि महाराज को लगातार आपको प्रसन्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि महाराज एक के बाद एक विघ्न लगातार आपको देने के, जुर्माना नहीं कराएंगे,
लेकिन परेशानी खड़ी करने का अवसर दे सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने आप कर्म को ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करना है, कर्म से भागना नहीं है। सद्भाव से भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे में शक्ति प्राप्त हो, दुष्टों का संगार हो। जो दुष्ट लगातार परेशान करने के योग बनाते रहते हैं, तो भगवती का एक स्वरूप है, उसका ध्यान करें, कात्यायनी स्वरूप। ये सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु, इस मंत्र का जप करें। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए सुंदर अवसर है, रवि योग बना हुआ है, सुंदर तरीके से लाभ लेके काम करने का प्रयास करें, अच्छा होगा। वहीं 15 अप्रैल की बात करें तो सप्तमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ अवश्य जाएगा और आपके उन्नति का योग बनाएगा। ऐसे में जैसा हमने कहा कि शनि महाराज इन दिनों आपके एक वर्ष के लिए योग जो बना रहे हैं उसको ठीक करने के लिए एक सुंदर अवसर है। नवरात्र का सप्तम दिवस शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का दिवस होता है, माँ भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर होता है। समस्त स्वरूप में सबसे भयंकर स्वरूप माना जाता है कालरात्रि का। प्रथम शैलपुत्री चतुर्थी ब्रह्मचारी नित्यम चंद घंटे थी कुष्मांडीति चतुर्थकम पंचम स्कंदम आते थी खष्टम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि च। सप्तम कालरात्रि स्वरूप दुष्टों का संहार करने वाली। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में एक मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। आपको विशेष तौर पर इस दिन 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, इस मंत्र का यज्ञ करना चाहिए, पीली सरसों से आहुति देनी चाहिए। और कहा जाता है कि पूरे वर्ष शनि को ठीक करने के लिए यदि एक दिन उपाय कर लेंगे ना तो बहुत सुंदर रहेगा, विजय प्राप्त करने के योग देगा। शत्रुओं पर जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है वो कहीं ना कहीं वृद्धि कर रहा है, उनको दबाने का रास्ता बना सकता है। मुकदमों में यदि कष्ट मिल रहा है तो इस दुर्गा सप्तशती के पाठ को अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन दिनों विशेष रूप बड़ा यज्ञ रखा हुआ है नवरात्र के अवसर पर, नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इन नवरात्रों में सहस चंडी का अनुष्ठान रहता है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से आहुतियाँ दिलवा सकते हैं, आप स्वयं भाग ले सकते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था जान लीजिए। देखिए लाभ प्राप्ति के योग बनेगी। इस दिन भद्रा रहेगी जो सुबह करीब करीब 2:12 से आरंभ होकर रात के 12 बजे तक रहेगी, तो नए कार्यों का आरंभ करने से सुबह दोपहर को मध्यान्ह के बाद बचना चाहिए। 16 अप्रैल का दिवस विशेष तौर पर अष्टमी का अवसर है, मंगलवार का योग है और महाअष्टमी है, महागौरी की आराधना करने का अवसर है। ग्रह योग आपकी राशि में आपके लिए परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, चंद्रमा आपके एकादशवें भाव में स्वग्रह होकर लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको थोड़ा सा काम यदि करेंगे, खर्चे और लाभ दोनों बनने के योग बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा आपकी राशि के अनुसार से। तो ऐसे में माँ भगवती गौरी की आराधना करें, महाअष्टमी का अवसर है, महाअष्टमी में विशेष तौर पर कई प्रकार की, देखिए शनि महाराज को फिर बात कर रहे हैं हम दोबारा, क्योंकि शनि महाराज चली ऐसे रहे, एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी दे सकते हैं। ऐसे में बाई चांस योग ऐसा बन गया है अशोकाष्टमी का, चैत्र मास की अष्टमी को अशोकाष्टमी कहा जाता है। अशोक अष्टमी यानी अशोकाष्टमी यानी शोक को, एंजाइटी को, डिप्रेशन के पेशेंटों को ठीक करने वाली, डिप्रेशन जब आ जाता है। कहा जाता है माँ भगवती को भी इस प्रकार की समस्या हुई, जब रावण ने हरण कर लिया तो अशोक वाटिका में भगवती विराज रही थी, तो वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं और राम कथा हनुमान जी भगवती को सुनाते हैं, तो उनके समस्त मन के शोक दूर हो जाते हैं, इसलिए अशोकाष्टमी का सुंदर महत्व कहा गया है। तो आप इस दिन अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान कथा सुने, राम जी की कथा सुने, रामायण का पाठ करें, दुर्गा जी का यज्ञ करें, सब प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ठीक करने का अद्भुत अवसर है, तो ऐसे अवसर को लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 17 अप्रैल की यदि हम बात करें तो नवमी का अवसर है, बुधवार का योग है, रामनवमी है इस दिन, महानवमी है इस दिन, ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। आपके कर्मों में के अनुसार से आपको लाभ करने के योग बन सकते हैं, लेकिन शुक्र महाराज राहु के साथ युति कर जिस प्रकार के आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं वो आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के दुस्वाभाविकता लाने के योग पर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस रामनवमी पर विजय प्राप्त करने के लिए कार्यों को नई शक्ति के साथ आरंभ करने का आपको प्रयास करना चाहिए। रामनवमी बहुत विशेष है, 500 साल बाद ये रामनवमी आई है, जब हमने प्रयास करके स्वाभिमान का निर्माण किया है सब लोगों ने, हम सब के प्रयास से भगवान का वहाँ पर सुंदर श्री विग्रह बना, तो इसलिए हम आश्रम पे एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं जिसकी पूर्णाहुति रहेगी उस दिन। रामनवमी का यज्ञ रहेगा सुंदर विशेष स्तर पे, उस दिन यज्ञ रहेगा, दुर्गा सप्तशती का अंतिम पूर्णाहुति का यज्ञ रहेगा महानवमी के अवसर पर। आप सब लोग अपने सादर आमंत्रित हैं, शाम को 5 बजे से लेकर ये यज्ञ पूर्णाहुति के साथ रात को 10-11 बजे खत्म होगा भंडारे के साथ, माँ भगवती का सुंदर दर्शन इस दिन जो आश्रम पे करते हैं, कहा जाता है उनकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं, अवश्य स्थान को आप लाभ लेने का प्रयास करें। 18 तारीख की बात करें तो उस दिन दशमी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और रवि योग का निर्माण हो रहा है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर दिवस बनता है। साथ साथ सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के कारण से लाभ और हानि दोनों के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
कहीं लाभ की आकांक्षा में धन आगमन की सूचना दिखाई देती है, लेकिन साथ साथ खर्चे भी एक के बाद एक तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। तो सावधानी के साथ काम करें, बृहस्पति को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करें, क्योंकि बृहस्पति इंद्र और शनि से दृष्ट हैं। तो थोड़ा पीला टीका, पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों की सेवा, ये सुंदर करें, कल्याण होगा। 19 अप्रैल की बात करें तो बहुत सुंदर अवसर है, कामदा एकादशी का योग है, शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, ग्रह आपके लिए लाभ के योग तो बना रहे हैं लेकिन साथ साथ कुछ जुर्माने भी करा सकते हैं। तो हर चीज़ कोशिशें करें, आप बैलेंस होकर करने का प्रयास, गाड़ी भी चलाएं तो सावधान, रोड से क्रॉस भी करें, कहीं तो अननेसेसरी के जुर्माने कहीं ना कहीं सर पर पड़ सकते हैं दूर से भागते हुए। तो ऐसे में कोशिश करें, महालक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, गौ सेवा करें, लाभ होगा। 20 अप्रैल का दिवस द्वादशी का अवसर है और साथ साथ शनिवार का अवसर है। इस दिन बुध महाराज उदय होने जा रहे हैं। बुध जो आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में शुक्र के साथ चल रहे हैं, राहु के साथ चल रहे हैं, अस्त थे तो बहुत कमज़ोर थे, थोड़ी शक्ति उनमें आ रही है, उदय हो रहे हैं, लेकिन और शक्ति की ज़रूरत है क्योंकि नीच के हैं वो, तो उनको शक्ति जैसी आएगी आपकी योग्यता बढ़ेगी और मैनेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जो इन दिनों आपकी समस्या चल रही थी, मैनेजिंग थोड़ी सी कमज़ोर हो रखी थी, चीज़ों को हैंडल करने में दिक्कत आ रही, दुस्वाभाविकता थी, वो सब ठीक हो सकती है धीरे धीरे, लेकिन बुध को शक्ति देने की ज़रूरत है। गौ पूजन करें, गाय को पालक खिलाएं, गणेश जी का स्तवन करें, भगवान शिव पर बिलपत्र अर्पित करें, ये सारे उपाय हैं। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करें, ये सब उपाय कर आप बुध को आगे आने वाले समय में शक्ति दे सकते हैं। उपाय करने से कल्याण होता है। देखिए, जन्मपत्री में जो योग हैं विभिन्न प्रकार से, हम उन सब से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं गोचर के प्रभाव के अनुसार से। ये जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, इन सब में ग्रहों के गोचर प्रभाव को, चाहे वो जन्म राशि के अनुसार से, चाहे वो लग्न के अनुसार से, चाहे वो नाम राशि के अनुसार से, चाहे वो सूर्य राशि के अनुसार से, कई प्रकार से ज्योतिष के इन विषयों को आप समझ सकते हैं। प्रभाव होगा यदि सूर्य की राशि, यदि आप ज़ोडियक साइन की बात करते हैं, यदि उसमें आपकी ये है तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं हमारी राशि के प्रभाव को, यदि आपकी चंद्र राशि के अनुसार से उसको भी देख सकते हैं, लग्न यदि आपका स्पेसिफिक यही है जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपका फलीभूत होने का योग बना सकता है। और तो इन सब पद्धतियों से आप हमारे इस राशि फल को गोचर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन गोचर तो एक प्रभाव है और वो बहुत प्रत्यक्ष भी है, लेकिन मूल सिद्धांत किस प्रकार का है, आप अपने जीवन में कौन से स्तर पर हैं, पहली पैड़ी पर हैं, दसवीं पैड़ी पर हैं, सौवीं पैड़ी पर हैं, हजारवीं पैड़ी पर हैं, एक लाखवीं पैड़ी पर हैं, तो उसके अनुसार से प्रभाव होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राशि राशि में आपने 12 हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, 12 हिस्सों में बांटा, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार से बांटा, लेकिन हर व्यक्ति अपने एक अलग स्तर पर है तो उसका प्रभाव अपने स्तर के अनुसार से होगा। तो आप उसको बृहद रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर भी दशाएं, महादशाएं, जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री, षठवर्ग, षोडश वर्ग, इन सब को बहुत अच्छे से देखकर, जन्मपत्री का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर आपके बहुत सारे आगे आने वाले समय को जाना जा सकता है और कष्टों को दूर करने का योग बनाया जा सकता है। ये हमारा संस्थान बहुत सारे कार्य इस प्रकार से लगातार कर रहा है, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में, पराविद्याओं के संबंध में। यह आश्रम करीब करीब पिछले 60-70 सालों से लगातार योग, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय पराविद्याओं में, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता है हमारा आश्रम। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार में स्थित है, विवेकानंद योग आश्रम। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 1960 के दशक में ये कार्यक्रम या संस्थान की स्थापना की गई। एक 100 बेड का पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और विभिन्न बीमारियों में बहुत सुंदर तरीके से जनता के लिए लाभ का कार्य कर रहा है। कमर दर्द में, डायबिटीज़ में, शुगर में, किडनी के डिसऑर्डर्स में, कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लगातार कार्य कर रहा है और भारत सरकार के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो बहुत सारे विभिन्न सरकार के पैनल्स पर भी है और उन वहाँ सब भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मुद्राओं के संबंध में, आपने देखा होगा कि ये विभिन्न मुद्राएँ जो हैं वो हमारे आश्रम के द्वारा ही इस पूरे विश्व में पहुँचाई गई हैं। आज जो भी लोग हैं हमारी इन मुद्राओं के द्वारा, चाहे वो हृदय रोग की मुद्रा है, 3 सेकंड में मृत संजीवनी मुद्रा फर्स्ट एड देने का काम करती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, जबरदस्त मुद्रा है। ये मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अपनी खोज है। गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मुद्रा, पहली मुद्रा ऐसी है कि बिल्कुल हल्का स्लाइटली टच लेकर आप हाथ ऐसे रख लें, जेब में रख लें, बिल्कुल किसी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा, आपको यूरिन संबंधी समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो अपान मुद्रा, ये ऐसी अद्भुत मुद्राएं। और तो और, आपके ग्रह प्रभावों को ठीक करने के लिए यदि बृहस्पति आपका कमज़ोर है तो आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके अपने बृहस्पति को, नई आवश्यकता आपको किसी नग की, नई आवश्यकता किसी और चीज़ की, इसको आप मुद्रा कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। शनि आपका यदि अनुकूल नहीं चल रहा है, शनि के कष्ट चल रहे हैं, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये अद्भुत प्रयोग हमने बहुत सुंदर तरीके से मुद्राओं के द्वारा भी, ये पराविद्या का भाग है, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर,
बहुत सारी 85 पुस्तकें आश्रम से प्रकाशित की गई हैं। आप सब उन सब का अध्ययन कर आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और हर वैसे तो आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, आप सब लोग हर रविवार को उस यज्ञ में पधार सकते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ विशेष तौर पर चल ही रहा है, जो पूरे 9 दिन तक सहस चंडी के रूप में यज्ञ विद्यमान रहेगा। माँ भगवती का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, जो मुल्तान से पीताम्बरा भगवती का ये श्री विग्रह हमारे आश्रम पर पधारा, एक व्यक्ति लेके आए वहाँ से ट्रंक में बंद करके 1947 में, और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे मंदिर में आश्रम में माँ भगवती का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है, चमत्कारी श्री विग्रह है। और उन्हीं के सानिध्य में ये नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ पिछले अनेक वर्षों से सुंदर तरीके से सब लोग के साथ सम्मिलित प्रयास से किया जाता है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी पूरी विधि आप फ़ोन नंबर्स पर जान सकते हैं। और इस प्रकार के सुंदर कार्य आश्रम पर लगातार चलते रहते हैं, गौशाला का गौ सेवा का सुंदर कार्य किया जाता है, लगातार महीने में कम से कम 10 से 15 भंडारे जनमानस के लिए व्यवस्था की जाती है, हॉस्पिटल आपको बताया ही चल रहा है, और बहुत सारे कार्य संस्थान के द्वारा, विवेकानंद योग आश्रम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान के संबंध में तो हम आपके साथ लगातार वीडियोस के माध्यम से आश्रम पे लोगों के साथ सानिध्य प्राप्त कर विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ मंत्र इत्यादि का सानिध्य, बहुत सारी समस्याएं, कोई स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान, बहुत सारे रुद्राभिषेक इत्यादि आप सब लोग कई व्यवस्था। हाँ, एक और, बहुत सारे लोग पितरों की समस्या से ग्रसित होते हैं, पितृ परेशान कर रहे हैं, पितरों को आप तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था हमने अपने आश्रम पर रखी हुई है। आप अपनी अमुक तिथि पर अपने पितृ के निमित्त तर्पण यज्ञ, यदि आप विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन इत्यादि यज्ञ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलते ही हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का आश्रम में व्यवस्था चलती ही है। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के माध्यम से ये स्थापित किया गया, और आज हम उसी प्रयास में हम आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को अपने आश्रम के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में, धन्यवाद, नमस्कार।